ऑलराइट, आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। शुरू करने से पहले, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ 360 डिग्री प्रिपरेशन जंकी, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली बिकम, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू कवर एवरीथिंग, देन गाइस इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। द रीज़न वाई, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस हम डिस्कस करते हैं वेरियस क्विजेस को, वेरियस पोल्स को यहाँ पर। सो आई वॉन्ट एवरी वन to join this, because guys this will help you in your preparations. All right, तो चलिए शुरू करें और ले चलें आज की खबरों पर। Today is the birthday month, guys. इस महीने मेरा birthday पड़ता है 22 अगस्त को, so I am very very super excited जब ये महीना आपका आता है, and that is the month of August, and a very warm welcome to everyone. Now guys, please understand, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि for a fun fact, there are two sessions, Monday to Friday 4 p.m. and Monday to Saturday 8 a.m. ये दो सेशन देखना ज़रूरी है, because these cover the entire headlines. All right? तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का। तो आज के जो हमारे चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस हैं, उनका दोस्तों जो नाम है वो है फिर से, शी इज़ अ वेटरन व्हेन इट कम्स टू द चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। हर नेम गाइस इज़ सुनैना मंदानिया, एंड शी इज़ अगेन द चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। तो एक बार मुझे लगता है ये हमारे इस शो की रॉजर फेडरर हैं। सो आई वॉन्ट एवरी वन इन द कमेंट सेक्शन गाइज टू गिव हर अ कॉन्ग्रेचुलेशन अगैन, शी इज़ द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप। बट सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वी हैव न्यू विनर्स इन आर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एच राघवेंद्र, शनमति एस, शरत वारियर एंड अरूप चैटर्जी, हुआ द रिमेनिंग फोर चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। ऑलराइट गाइज, बहुत कम लोग देख रहे हैं, ज़रा फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जुलाई में हमारा मिशन था टू रीच 1000 व्यूवर्स, हम 800 पहुँचे, अच्छी बात है, पर इस बार हमें 1000 क्रॉस करना है। ऑल राइट, सो आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ बिग बिग थम्स अप एंड एवरी वन टू शेयर द वीडियो। ओके, नाउ गाइज, मैंने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि गाइज टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। बिलीव मी गाइज, बाल्टी भर के मेरे को मिले हैं इंपॉर्टेंट डेज। सो मैं पहले उनको डिस्कस करूँगा एंड फिर हम बातचीत करेंगे। सो वॉट आई डू इज दैट आई इंटेंशनली रिमूव सर्टन डेज, आपको उसके आंसर करने होंगे एंड देन वी विल डिस्कस। सिमिलरली गाइज, इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेज पर फ्राइडे सैटरडे संडे, दीज थ्री डेज वी विल बी हैविंग अ क्विज ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ आपका, हमारा टेलीग्राम का क्विज होगा एंड ये रोज़ रात को 9 बजे होगा। इस बार थीम्स मैं कराऊंगा मंडे को, बिकॉज आज काफ़ी डेज हैं, थीम्स वी विल डिस्कस ऑन मंडे। ऑलराइट, सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। स्वागता, एवरी डे 9 PM क्विज होता है आपका इस टेलीग्राम ग्रुप पे। कब होता है? एवरी डे 9 PM। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट डेज गाइज। एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा विद अ बिग थम्स अप, एवरी वन गिव अ बिग 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 थम्स अप, बिकॉज एवरी वन हैज़ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके सामने दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब पड़ता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, CRPF रेजिंग डे 27 जुलाई, व्हेन इज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, व्हेन इज द वर्ल्ड चेस डे, नेल्सन मंडेला डे पड़ता है 18 जुलाई को, वर्ल्ड डे फॉर नेशनल जस्टिस पड़ता है 17 जुलाई को, व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, नेशनल फिश फार्मर्स डे पड़ता है 10 जुलाई को, वर्ल्ड जूनोसोस डे पड़ता है आपका किस दिन बताइए, नेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव पड़ता है 4 जुलाई को, एंड नेशनल डॉक्टर्स डे आपका पड़ता है 1 जुलाई को। सो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रिमेनिंग था। ये रहा आपके सामने इंटरनेशनल टाइगर्स डे का 29 ऑफ जुलाई, देन वी हैव द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 ऑफ जुलाई, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई, वर्ल्ड जूनोसोस डे आपका 6 जुलाई को पड़ता है। तो ये लिस्ट अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसका PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ऑलराइट, ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे क्विज पर। व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस गाइस? क्वेश्चन वन। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप? क्वेश्चन टू। व्हेन इज द CA डे? क्वेश्चन थ्री। बाकी डेज की बात करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे 28 जुलाई, बैस्टिल और द फ्रेंच नेशनल डे 14 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स आपका जुलाई 30, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स 26 जुलाई, डे ऑफ नेशनल क्रिमिनल जस्टिस 17 जुलाई, धर्माचक्रा डे 4 जुलाई, वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई एंड कैनेडा डे आपका 1 जुलाई को पड़ता है। आइए जरा आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज जुलाई 30, द कारगिल विजय दिवस इज 26 ऑफ जुलाई, द धर्माचक्र डे इज ऑन 4th ऑफ जुलाई, द CA डे इज ऑन 1st ऑफ जुलाई एंड द कैनेडा डे का इज ऑन द 1st ऑफ जुलाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका सवाल है, व्हेन इज द USA इंडिपेंडेंस डे? व्हेन इज पाई अप्रोक्सीमेशन डे?
व्हेन इज वर्ल्ड इमोजी डे एंड व्हेन इज नेशनल पेरेंट्स डे, ये इस साल आपका कब मनाया जाता है। बाकी डेज की बात करें, वर्ल्ड यूएफओ डे इज जुलाई 2nd, नेशनल सिंप्लिसिटी डे इज ऑन 12 जुलाई, पेपर बैग डे 12 जुलाई, नेशनल थर्मल इंजीनियर डे 24 जुलाई, नेशनल जिंजर स्नैप डे 1st जुलाई, नेशनल एनिसेट डे 2nd जुलाई, नेशनल फ्राइड क्लैम डे 3rd जुलाई, नेशनल मैंगो डे 22nd जुलाई, नेशनल फ्रेशमैन डे 23rd जुलाई एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डे ऑन 31st जुलाई। जो आईटी ऑफिशियल्स हैं वो जानते हैं कि व्हाट इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी डेज को देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। जीएसटी डे 1st जुलाई को हो गया, नेशनल पेरेंट्स डे 26 जुलाई को हो गया, वर्ल्ड इमोजी डे 17 जुलाई को हो गया, बाय अप्रोक्सीमेशन डे 22nd जुलाई को हो गया, और आपका यूएस इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई का हो गया। सो गाइज, वी विल डिस्कस इट, ये डिस्कशन हम करेंगे, ऑल राइट। एंड इसके लिए आपको इस ग्रुप में और इसके चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और एवरी डे 9 PM पर इस पे हम क्विज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पोल्स होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश क्विजेज होते हैं, सब कुछ यहाँ पर होता है, ऑल राइट। चलिए, तो एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा दैट यू हैव नोटेड डाउन एंड यू विल डाउनलोड द PDF फ्रॉम दीज पर्टिकुलर डेज। गाइज, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बनाया है। आज के जो हमारे इंडियन ऑफ द डे हैं, उनका नाम दोस्तों हैं रघुराम गोविंद राजन जी। ये आज हमारे इंडियन ऑफ द डे हैं। ही इज़ फॉर मी द ग्रेटेस्ट एवर गवर्नर। जिनका टेलीग्राम लिंक नहीं होता है, उन्होंने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, फर्स्ट इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप ऑन योर फोन, तब जाके वो लिंक ओपन होगा। यस, एंड ये रहा आपके सामने भात को जानो क्विज। आज मैं पहले बता दूं, मैंने कल आपको दिया नहीं था तो मैंने आज आपको दे रहा हूं। मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकेंड, एक बार इसको देख लीजिए। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स एंड देन इस पर हम आज क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सो कानी शॉल इज़ इन जम्मू कश्मीर, नक्शी कंठा इज़ इन वेस्ट बंगाल, अलेपे कॉइल इज़ इन केरला, मूगा सिल्क इज़ इन असम, ज्वेलरी ऑफ नगर कोली इज़ इन तमिलनाडु, मोलेला कलर वर्क गाइज इज़ इन राजस्थान एंड इल्कल सारीज गाइज आर इन कर्नाटका। ठीक है, तो अब ज़रा इसको मैं डिस्कस आपसे कर लेता हूँ। सबने पढ़ लिया है, एक बार ज़रा थम्सअप दे दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मनोज गोगू जी, अगर आप ऐड हो जाओगे टेलीग्राम में क्या बिगड़ जाएगा, प्लीज़ ऐड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ये लिंक दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, तैयार है क्वेश्चन के लिए रेगुलर व्यूअर्स। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। कनी शॉल हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। किस स्टेट के लिए कनी शॉल को दोस्तों GI टैग दिया गया है। इसका आंसर आपके सामने है, दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बात है गाइज, आपकी मेमोराइजिंग पावर तो शकुंतला देवी से ज़्यादा है, क्या बात है, अयो रामा। क्वेश्चन 2, मोलेला क्ले वर्क हैज़ बिन गिवन द GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मोलेला क्ले वर्क इनमें से किस स्टेट का GI टैग है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, अलेपे कॉइल हैज बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट एंड द आंसर इज, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज केरला। केरला का GI टैग है आपका अलेपे कॉइल। एंड क्वेश्चन नंबर 4, नक्शी कंठ, नाम सुनिएगा, नाम है नक्शी कंठ, हैज बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट, कौन से राज्य का नक्शी कंठ है। इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज वेस्ट बंगाल, एब्सोल्युटली करेक्ट, पश्चिम बंगाल, अयो रामा। क्वेश्चन 5, इल्कल सारगेस हैज बिन गिवन द GI टैग फॉर विच स्टेट। इल्कल सारगेस नहीं, इल्कल सारिज होगा ना, हाँ, ये किसके दिया गया है। एंड इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ कर्नाटका। सो गाइज, आई होप एवरीवन, गाइज उत्तर प्रदेश इज़ द बेस्ट स्टेट, बाकी स्टेट मुझे नहीं पता, बट उत्तर प्रदेश इज़ द बेस्ट स्टेट। यस, ओके, ठीक है। चलिए, अब कल के लिए ये रहा आपका होमवर्क, मंडे के लिए ये पढ़ के आइएगा। उडुपी मलिगे कर्नाटका का है, चंबा रुमाल हिमाचल का है, धारवाड़ पेढ़ा कर्नाटका, पुक्कली राइस केरला, बस्तर आयरन क्राफ्ट आपका छत्तीसगढ़, एंड पिपली एप्लिक वर्क इज आपका फॉर उड़ीसा। ऑलराइट, ओके 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 ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यार बहुत धीरे आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत कम लोग देख रहे हो यार, जबरदस्त तरीके से फटाफट चौकस होके शेयर कर दो एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ थम्स अप फटाफट, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्विज। ऑलराइट, लिंक आपको मिलेगा, देखो कमेंट में लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जल्दी से ज़रा भैया शुरू कर लेते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द प्रतिहारा स्टाइल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से किससे संबंध है दोस्तों आपका प्रतिहारा स्टाइल का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु, किससे संबंध है प्रतिहारा स्टाइल। एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। रिसेंटली एक मूर्ति मिली है जो शिव जी के ऊपर है एंड नंदी जी नीचे बैठे हैं, वो मूर्ति आपकी राजस्थान में ही आपकी स्मगल आउट हो गई थी एंड दैट इज द स्टाइल ऑफ राजस्थान, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PM स्वनिधि, विच इज द नंबर 1 स्टेट।
स्टेट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से नंबर वन स्टेट कौन सा है? दीज आर द क्वेश्चंस फॉर माय रेगुलर व्यूअर्स, नॉट फॉर माय कैजुअल व्यूअर्स. द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर टू, गाइज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, द मराठा कोटा इज बीइंग डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. इट्स अ लिहायती लल्लू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 0.0001 मार्क्स का. ये अगर नहीं आया आपको तो मैं क्या करूँ? द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, सुशील मोदी जी इज द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये अभी न्यूज़ में है, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी की बात की है. एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज बिहार. बिहार इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गाइज. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वेयर विल यू फाइंड द करूर वासिया बैंक हेडक्वार्टर्स. करूर वासिया बैंक के हेडक्वार्टर्स इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में है? फटाफट आंसर कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिएगा, किस स्टेट में है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज इन तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली एरियल सीडिंग हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. निम्न में से कौन से राज्य में आपकी एरियल सीडिंग जो है उसको स्टार्ट किया गया है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड या फिर आपका कर्नाटका, कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज हरियाणा. हरियाणा में इसको दोस्तों स्टार्ट किया गया है. क्वेश्चन नंबर वन टू एवरी वन गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वेयर डिड द HACK साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्टेड? द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई, दैट इज कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वेयर विल यू फाइंड द बेटला नेशनल पार्क? ये बेटला नेशनल पार्क आप कहाँ पर पाओगे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज झारखंड. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, अ वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट फॉर $285 million हैज बीन साइंड फॉर विच टू सिटीज इन द स्टेट? किस राज्य में ये अभी हाल ही में अग्रीमेंट हुआ है? इसका आंसर है आपका पंजाब. और जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वॉट आर द नेम ऑफ दोज टू सिटीज? फटाफट बताइएगा. एब्सोल्यूटली करेक्ट, अमृतसर एंड लुधियाना, दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थ्री पे. रिसेंटली विच रिवर हैज अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ अमोनिया रिसेंटली? इनमें से किस नदी में उच्च स्तर पे अमोनिया आपका पहुंच गया है? गंगा, हिंडन, गोमती, यमुना या फिर आपकी ताप्ती? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज यमुना. यमुना इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. दिल्ली शहर में बहती है एंड बहुत गंदी हो चुकी है. क्वेश्चन वन पे आते हैं गाइज, प्लीज टेल मी इन विच स्टेट विल यू फाइंड द सोर्स ऑफ दी महादई रिवर और दी मंडोवी रिवर? किस स्टेट में आप मंडोवी रिवर का सोर्स पाओगे या इसका आप या इसका आपका दोस्त आप एक सोर्स पाओगे? इसका आंसर क्या होगा? द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज कर्नाटका. जो लोगों ने गोवा लिखा है वो सब बेटा तुम ना समझते नहीं हो. गोवा में ये है पर इसका सोर्स कहाँ पर है? द सोर्स इज इन कर्नाटका. गोवा में ये क्या है? इट इज द लाइफ लाइन ऑफ गोवा. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन थ्री गाइज, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी को हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा. एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज कोसी. कोसी इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार. क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, विच रिवर इज बिसाइड हैदराबाद? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? फटाफट आंसर कीजिएगा. कौन सी नदी सबसे पास है आपके हैदराबाद की? ऑल माय हैदराबादी फ्रेंड्स प्लीज टेल मी दामोदर. नो, द आंसर इज इट इज यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज मूसी. मूसी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव गाइज, ओके, वेम्बनाड लेक इज इन नियर बाय विच सिटी? वेम्बनाड लेक जो है वो आपके कौन से शहर के पास है? तेरे शहर में आए हैं रफ्ता रफ्ता. वेम्बनाड लेक कहाँ की है? फटाफट आंसर कीजिएगा. वेम्बनाड लेक किस पर्टिकुलर स्टेट में पड़ती है? बिल्कुल सही गाइज, वेल डन, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइज, बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज कैंसल्ड द कंसेशन अग्रीमेंट रिगार्डिंग नेल्लोरे एयरपोर्ट? निम्न में से किसने दोस्तों नेल्लोरे एयरपोर्ट का जो अग्रीमेंट है उसको कैंसिल करवा रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आपका राजस्थान? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन वन मेरा आप सबसे यहाँ पर है. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, वेयर विल यू फाइंड द वर्ल्ड इंडियाज फर्स्ट वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल? कहाँ पर पहला आपका वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल जो है उसको आप यहाँ पर पाओगे? एंड इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल मेडिटेशन
एरिया इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इनमें से किस स्टेट में सबसे बड़ा जो मेडिटेशन एरिया है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर माई सुपर डुपर आरवी, जो कि 2 महीने पुराना सवाल है। द आंसर इज इट इज़ इन तेलंगाना, इट इज़ इन हैदराबाद, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं गाइज। द शिव भोजन थाली स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पर आपकी शिव भोजन थाली स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। एंड क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, सुपोषित माँ अभियान इज अभियान इन विच स्टेट, इनमें से किस राज्य में इस अभियान को शुरू किया गया है, सुपोषित माँ अभियान। द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई, दैट इज राजस्थान, कोटा सिटी में, जो वहाँ के एमपी हैं श्री ओम बिरला, द करेंट 17th लोकसभा स्पीकर, ही हैज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर योजना। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज़ कोलैबोरेटेड विद अमेजॉन वेब सर्विसेज, इनमें से किस राज्य ने दोस्तों अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ गठजोड़ किया है, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, असम या फिर आपका महाराष्ट्र। द आंसर इज इट्स अ वेरी लल्लू क्वेश्चन, द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। गाइज, शुड आई आस्क यू रिलेटेड क्वेश्चन और नॉट, गिव मी अ येस और अ नो, बिकॉज आई कैन सी वेरी लेस पीपल वॉचिंग। गाइज, हमारा सपना है 1000 क्रॉस करने का और आज तो आप लोगों ने नाक ही कटवा रही है। तो भाई फटाफट जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहो, हमें 1000 इस महीने पहुंचना है, अगस्त में तो पहुंचना है भाई। यस, क्वेश्चन 1 पे आते हैं गाइस। दी धनवंतरी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, धनवंतरी स्कीम का संबंध इनमें से किससे है। द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज असम। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वेयर विल यू फाइंड द मेघा संदेशा पोर्टल, मेगा संदेशा पोर्टल आप इनमें से कहां पर पाओगे। एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, द बांद्रा वर्ला वर्ली सी लिंक कहां पर है। ये लल्लू सवाल है, ये तो एक नंबर का भी नहीं होगा, पर कई लोगों को ये भी नहीं आता होगा, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक कहां पर है। द आंसर इज इट इज ऑप्शन ई, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल ऑर्डिनेंस, इनमें से वो कौन सा पहला राज्य है जिसने बड़े स्केल के, छोटे स्केल के, मध्यम स्केल के जो एक्ट है कंपनीज के, उसको अमेंड किया है। द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, कर्नाटका। इसका जो उसका आंसर होता होगा वो सही में मेरा रेगुलर व्यूअर है, बिकॉज वरना ये कहीं नहीं डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट विच विल टेक विच विल हायर प्राइवेट वेदर एजेंसीज एंड नॉट द IMD, कौन सा वो आपका स्टेट है जिसने प्राइवेट वेदर एजेंसीज की बात की है। द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, निम्न में से किस शहर में आपका राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल है, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, श्रीनगर या फिर आपका नोएडा, कहाँ पर आप पाते हो द नेशनल वॉर मेमोरियल को। एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली जो 15 जवान शहीद हुए थे हमारे जो वर किल्ड इन द गलवन वैली क्लैश, उनको यहाँ पर ऐड आपका किया जाएगा। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरी वन गाइज इज, तीन मूर्ति एस्टेट कहाँ पर है, वेयर इज द तीन मूर्ति एस्टेट, फटाफट बताइएगा इनमें से कहाँ पर है आपका तीन मूर्ति एस्टेट। इसका आंसर भी है आपका ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, चार मीनार इनमें से कहाँ पर है, वेयर इज द चार मीनार, एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, वेस्ट टू वेल्थ क्लिनिक इनमें से कहाँ पर बन रहा है, फटाफट बताना यार, यार रेगुलर व्यूअर्स टाइम वेस्ट मत करो, कहाँ पर बना है वेस्ट टू वेल्थ क्लिनिक। एंड इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज अगेन ऑप्शन डी बी, दैट इज न्यू दिल्ली, एब्सोल्युटली करेक्ट। नोएडा नहीं है, न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेट्रो हैज स्टार्टेड अ डेडिकेटेड स्टेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स, इनमें से किस मेट्रो में एक डेडिकेटेड स्टेशन था या बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज नोएडा, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, विच लेक विल यू फाइंड इन हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सा लेक आप पाओगे, फटाफट बताइएगा जल्दी से, बिल्कुल सही। द आंसर इज वेस्ट टू वंडर नहीं कह रहा हूँ सर, मैं वेस्ट टू वेल्थ कह रहा हूँ, आप लगता है रेगुलर नहीं हो। इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज द हैदर हुसैन सागर लेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। रो मत भाई, फटाफट आंसर करो, सुखना लेक, जगदीश जी महान, सॉरी क्या बात है, सुखना लेक कहाँ है रेगुलर व्यूअर्स, सुखना लेक कहाँ है, सुखना लेक आपकी चंडीगढ़ में है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गाना याद है ना आपको, उसे याद रखना। हाँ चलिए, मतलब कुछ भी भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, त्याश के नाम पे, वाहेगुरु के नाम पे कुछ भी आंसर कर दोगे आप लोग, कुछ तो यार, मतलब कुछ तो। हाँ, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ओके, सोमेन मित्रा वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, साइंस,
आर्ट्स या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किससे संबंध था आपका सोमेन मित्रा का, इसका जवाब क्या है आपका? इसका आंसर दोस्तों जो है ये पॉलिटिक्स से थे, वेस्ट बंगाल, मित्रा नाम से जानी गए होंगे, ही वॉज द कांग्रेस चीफ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रिसेंटली इनका दोस्तों देहांत आपका हो गया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, हार्दिक शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ रिप्लेस्ड हुम, इनमें से इन्होंने किनको दोस्तों रिप्लेस किया है, इसका आंसर क्या होगा? पी अमुधा जी, वर्षा जोशी जी, राजीव टोपनो जी या फिर रीवा गांगुली, इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी, राजीव टोपनो। राजीव टोपनो साहब कौन है? ही इज द एडवाइजर टू द एक्सटर्नल गवर्नर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक, वहां पर ये एडवाइजर के रोल पे आपके हैं। सिमिलरली गाइज, रीवा गांगुली दास जी ये क्या है? ये सेक्रेटरी बनी है ईस्ट की इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इससे पहले शी वॉज द हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश, ठीक है। वर्षा जोशी जी क्या है? ये एनिमल हस्बैंड्री की सेक्रेटरी हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेयरी एंड एनिमल हस्बैंड्री। और पीएम उदा जी क्या है? शी इज द जॉइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ, ये जॉइंट सेक्रेटरी बनी है आपकी पीएमओ के अंदर। सही बता रहा हूँ मैं सबको? क्लियर है? एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, सब कुछ सही बताया मैंने। ओके, क्या बात है, वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी किंग इनिशिएटिव हैज पास्ड द यूएस, द गांधी किंग इनिशिएटिव हैज बीन पास्ड बाय द यूएस हाउस कमिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सवाल है इसके ऑथर इनमें से कौन है, इसके इनमें से ऑथर किस कौन है गाइस? एमी बेरा, जॉन लुइस, जैक चार्ल्टन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर ऑल ऑफ दीज? द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी, जॉन लुइस। ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, बिकॉज हाल ही में इनका देहांत हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इन द न्यूज, और इन्हीं की इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को एमी बेरा ने पास करवाया है इन द हाउस ऑफ कमिटी, इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएस, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, फ्रांसिस्को होजे ब्रूटो दा कोस्टा, क्या नाम है, फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रांसिस्को होजे ब्रूटो दा कोस्टा, क्या नाम है, फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रांसिस्को होजे ब्रूटो दा कोस्टा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब्स, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, रियल मैड्रिड, नेपोली या फिर आपका लिवरपूल, क्या नाम, फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रांसिस्को होजे ब्रूटो दा कोस्टा, ओहो क्या नाम है, ओहो। द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज ईस्ट बंगाल। फिर से नाम रिपीट करता हूँ, फ्रांसिस्को होजे ब्रूटो दा कोस्टा, ओहो क्या नाम है यार, मजा आ गया नाम सुन के, खाने का मन कर गया। हाँ, अब मेरा सवाल आपसे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, विच क्लब हैज वन इट्स डोमेस्टिक लीग फॉर 34th टाइम, इनमें से किसने दोस्तों 34वें बार जीता है अपना लीग? एंड द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, विच इज एन इटालियन क्लब, इनमें से कौन आपका एक इटालियन क्लब है? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज नेपोली, इट डिफीटेड मिलान टू विन द इटालियन नेशंस कप, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, नैसडैक पर पहला वो इंडियन क्लब कौन है जिसका बिलबोर्ड छपा था? ये तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही फेवरेट सवाल है, इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज मोहन बगान। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड लिवरपूल वन दी ईपीएल? एंड द आंसर इज इट इज आफ्टर 30 ईयर्स। और एक और सवाल है, पांचवा है 2 मार्क्स का, प्लीज टेल मी द मैनेजर ऑफ लिवरपूल, लिवरपूल के दोस्तों मैनेजर कौन है, फटाफट आंसर कीजिएगा। यस, इट इज आर्गन क्लॉप, इट इज आर्गन क्लॉप। आगे बढ़ते हैं, नतेसा आइकन वॉज स्मगल्ड आउट फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर? अभी हाल ही में इसको पाया गया है, प्राइड ऑफ इंडिया ने इसको खोज निकाला है। तो माय क्वेश्चन इज कि ये स्मगल आउट कब हुआ था? ये वही लोग बता पाएंगे जो रेगुलर होते हैं, जो कल का सेशन जिन्होंने देखा होगा। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 1998 में इसको दोस्तों जो है वो आपका स्टार्ट किया गया, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? इनमें से किस शहर में आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है? एसएससी वालों आप प्लीज़ शेयर करना स्टार्ट करो, एसएससी की ऐप पे काफ़ी कम बच्चे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वीडियो शेयर करना स्टार्ट करो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज इन ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट। बेंगलुरु नहीं है सर गाइस, तुक्का मत मारिए, आंसर है यहाँ पर नई दिल्ली, आमची दिल्ली, दिल्ली में है आपका द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वेयर यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ एसबीआई? एसबीआई के इनमें से हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वेयर विल यू फाइंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डीआरडीओ? डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स आपके इनमें से कहाँ पर होंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वेयर विल यू फाइंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी? देखिए SBI के हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में, एब्सोल्युटली करेक्ट। रजनीश जी, आप सबको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है कमेंट सेक्शन में, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर रोज रात को 9 बजे क्विज होता है, 6 बजे इंग्लिश क्विज होता है, सुबह पोल होता है, ठीक है। हाँ, सिडबी के हेडक्वार्टर्स आपके जो है लखनऊ में है,
डीआरडीओ कहां पर है भाई, फटाफट बताइएगा डीआरडीओ कहां पर है। डीआरडीओ 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 बेंगलुरु, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ कहां पर, दिल्ली में। हां डीआरडीओ दिल्ली में है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। What shall be the India Gandhi King Development Foundation budget? कितना बजट है आपका इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन का? और इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज $30 million। आगे बढ़ते हैं। Which country is the highest in the world in terms of shareholding in AIIB? Asian Infrastructure Investment Bank में किसका shareholding सबसे ज़्यादा है? Yes, hashtag धोखेबाज, it is option C, that is China का आपका सबसे ज़्यादा है, उसके बाद India का है। In fact, सबसे ज़्यादा funding India को है और फिर टर्की को है, ये नाम भी याद रखेगा। रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, बिकॉज जिन लुकुन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB फॉर 5 more years। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, रीका समिट में कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? रीका जो समिट हुआ उसमें इनमें से किन कंट्रीज़ ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया? देखिए, एक तो आपका इंडिया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एक आपका रशिया है और एक आपका क्या है, एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, एंड रशिया इंडिया एंड चाइना, तीन देश हैं रशिया इंडिया एंड चाइना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर टू गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, विच इज़ द नंबर वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ द यूएस सिक्योरिटीज होल्डिंग? यूएस सिक्योरिटी होल्डिंग में नंबर वन कंट्री इनमें से कौन है? द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ई, दैट इज जापान। जापान आपका नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, प्लीज टेल मी विच कंट्री इज द हैज़ द लार्जेस्ट GDP एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी? PPP के आधार पर कौन सा कंट्री आपका नंबर वन है? एंड इसका आंसर USA नहीं है, इसका आंसर है आपका आपका हैशटैग चाइना। यस, हैशटैग धोखेबाज, चाइना वन पे है, सेकंड पे USA है, थर्ड पे आपका इंडिया बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उस्मान अली खान वॉज अ रॉयल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इनमें से किस शहर में आपके उस्मान अली खान जो हैं वो दोस्तों आपके एक रॉयल्टी हैं? निहायती आसान सवाल है, निहायती बहुत ही आसान सवाल है, इसका ज़रा फटाफट मेरे को आंसर कर दीजिएगा। व्हाट इज़ द प्लॉजिबल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्या होगा इसका दोस्तों जवाब? जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा, व्हाट इज़ द प्लॉजिबल आंसर? एंड द आंसर इज़ इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी हैदराबाद। इनकी जो आखिरी बेटी हैं उनका हाल ही में दोस्तों देहांत हो गया था, इस वजह से ये अभी हाल ही में आप ही वॉज द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही। और इनकी अभी बेटी जो है उनका अभी इंतकाल हो गया था। इंतकाल से याद आया गाइस, आप सबको ईद अल आधा, या अगर मैं सही बता रहा हूँ, आप सबको ईद मुबारक सबसे पहले, एंड उम्मीद करते हैं कि आप सब आज इन्जॉय करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं रिपीट फिर से कर दूं, मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, ये वो लिंक है, एवरीवन जॉइन इट गाइस। यहां पर बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्विजेज मिलेंगे, पोल्स मिलेंगे, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पे। ऑलराइट, तो चलिए, अगर आपका स्कोर, इफ़ योर स्कोर गाइस इज, कितने लोग का स्कोर 15 on 15 है, पहले तो ये बताओ, जिनका स्कोर है भाई वो क्या है? वो है चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। जिनका स्कोर आपका 14 on 15 है वो क्या है गाइस? वो दोस्तों जो हैं वो महापुरुष हैं, वो पुरुष नहीं, वो क्या हैं? वो महापुरुष हैं, ठीक है। जिनका स्कोर 13 on 15 है वो क्या हैं भाई? वो आपके रोड टू महापुरुष हैं, मतलब आने वाले समय में वो महापुरुष बन जाएंगे, ठीक है। जिनका स्कोर 8 से 12 के बीच है वो हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो क्या हैं भाई? वो हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है भाई। और जिनका स्कोर 5 से कम है, मैं सवाल पूछूंगा, Why दिस कोलावरी डी? द रीज़न वाई, बिकॉज भाई आप रेगुलर नहीं हो, और अगर रेगुलर नहीं हो तो मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है गाइस? यस यस यस। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस। ऑलराइट, एंड हियर इज द लेवल ऑफ ग्रेडअप गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन यमुना? इनमें से कौन सा कथन आपका हाई लेवल ऑफ यमुना जो लेवल है आपका उसके लिए सही है? According to the BIS, maximum limit of ammonia is in drinking water is 0.5 parts per million. Ammonia is a colorless gas and used as an industrial chemical in the production of fertilizers and plastics. The formula is CH4. इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? इसका आंसर दोस्तों है आपका 1 and 2। फॉर्मूला क्या है इसका, जरा फटाफट कमेंट कीजिएगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों जो है, दैट इज NH3। द फॉर्मूला गाइज हियर इज इट इज NH3। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला, ना कि आपका CH4। ऑलराइट, सो राइट नाउ गाइज, यस, जिसका फॉर्मूला है आपका NH3। तो चलिए गाइज, आते हैं हमारे आज के बिग स्टोरी पर। अब गाइज, आप सबको फोकस करना पड़ेगा, एवरीवन हैज़ टू फोकस गाइज। टुडे ओनली 502 पीपल आर वॉचिंग, सो ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करिए, दबा के वीडियो शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आपका वीडियो पहुंचे। आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर द वीडियो सो दैट वी कैन क्रॉस 600। ऑलराइट, फटाफट शेयर कीजिए।
यस, तो चलिए आते हैं हमारे आज के बिग स्टोरी पर, और ये रहा पहला। रिसेंटली द अटल इनोवेशन मिशन हैज़ लॉन्च्ड एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम कॉल्ड एज एम आई क्रेस्ट। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने एक इंक्यूबेटर क्षमताओं को बढ़ाने वाला कार्यक्रम एम आई क्रेस्ट को लॉन्च किया है। आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का। एम आई क्रेस्ट बेसिकली एक इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है जिससे एक इकोसिस्टम बेहतर बनेगा। इसका फोकस होगा अटल इनोवेशन मिशन के जो इंक्यूबेटर्स हैं उनको हेल्प करना। अब सवाल ये आएगा इसके लिए किन के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। द कोलैबोरेशन हैज़ बीन द कोलैबोरेशन गाइस हैज़ बीन डन विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एज वेल एज दी वाधवानी फाउंडेशन। अब सवाल आपका आएगा कि सर व्हाट इज़ अ बिजनेस इंक्यूबेटर। अ बिजनेस इंक्यूबेटर इज़ अ प्रोसेस विच सपोर्ट्स entrepreneurs in developing their business। एक ऐसा तरीका होता है जिससे जो budding entrepreneurs हैं, जो नए business करने वाले हैं, वो अपने business को develop कर सकते हैं। That is the main agenda of the AIM iCrest mission। अब आइए जान लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। बेसिकली इस मिशन का पर्पस है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एज वेल एज entrepreneurship। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स फॉर इनोवेशन। इसके मेजर इनिशिएटिव्स हैं आपके अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, मेंटर इंडिया कैंपेन और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। ये इसके मेन चैलेंजेस आपके यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सवाल एक ही बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड आई क्रेस्ट। द आंसर इज इट इज एम। एम का फुल फॉर्म क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। सवाल एक और बनेगा एम वॉज स्टार्टेड बाय। द आंसर इज नीति आयोग। और आखिरी में एम के बारे में आपसे सवाल हम पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज SNBNCBS they have developed a device called as AJO-NEO which will measure the neonatal bilirubin level। SN Bose National Center for Basic Sciences ने कोलकाता ने नवजात बिलीरुबिन स्तर को मापने के लिए AJO-NEO का इस्तेमाल किया है या इसको विकसित किया है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। SNBNCBS गाइस सबसे पहले इट इज़ एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। AJO-NEO गाइस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट नॉन इन्वेजिव स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को चेक करने के लिए ये आपकी एक टेक्निक है जहाँ पर बिना कॉन्टैक्ट किए हम चेक कर सकते हैं। अब सवाल आएगा वॉट इज़ अ बिलीरुबिन गाइस। अ बिलीरुबिन गाइस इज़ अ येलोइश सब्सटेंस इन द ब्लड। ब्लड में ये पीले रंग का आपका पदार्थ होता है। इट फॉर्म्स आफ्टर द रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन एंड इट ट्रैवल्स थ्रू लीवर गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर बींग एक्सक्रीटेड। ये एक ऐसा पदार्थ है जो रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन के बाद आएगा और लीवर गॉल ब्लैडर और ट्रैक के जरिए ये हमारे बॉडी से निकल जाता है। गाइज बिलीरुबिन नेसेसरी है बिकॉज इससे जो बॉडी का वेस्ट है दैट कैन बी टेकन आउट। इसका जो वेस्ट है उसको हम बॉडी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जॉन्डिस आपने सुना होगा। जॉन्डिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न इसका क्या है, बिलीरुबिन। मेरे को हो चुका है तो मैं जानता हूँ कि बिलीरुबिन कितना इंपॉर्टेंट है और वो इसी के लिए आपका हो जाता है जो कि जॉन्डिस मतलब जब वो आपका नहीं एक्सीट होता तो जॉन्डिस के लिए हो जाता है। हाँ दीप जी पीलिया कहते हैं, मतलब नाम ना आप लोग लोगे वही जो नहीं लेना चाहिए। जॉन्डिस बोल लो यार, पीलिया मतलब कुछ भी। हाँ तो जॉन्डिस। अच्छा अब स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ऑफ न्यू बॉर्न। द रीज़न वाई बिकॉज इट विल रिड्यूस इंसिडेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ ब्रेन डैमेज जो कि बच्चों में आपका हो सकता है। ठीक है तो इसके स्क्रीनिंग के लिए भी ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरा समझ में आ गया? हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड गाइज? गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइज। इन द मीन टाइम गाइज कीप ऑन शेयरिंग। कम से कम आज 600 तो क्रॉस करना है ना, तो फटाफट वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो एवरीवन। यस फटाफट कीप ऑन शेयरिंग, यस एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करेंगे। ये पुरस्कार दोस्तों दिया जा रहा है और इसके लिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है, नॉमिनेशंस को इनवाइट किया गया है। एंड हियर आपके सामने द कंसर्न फील्ड फॉर दिस अवार्ड गाइस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द NDMA द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको लेकर अभी अपडेट था कि चैरिटी यहाँ पर हो सकती है, फंडिंग हो सकती है। इट विल बी गिवन एवरी ईयर ऑन 23rd of January। हर साल 23 जनवरी को उसको दिया जाएगा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र जी। 51 लाख अवार्ड दिया जाएगा टू अ कंपनी एंड 5 लाख अवार्ड दिया जाएगा टू अ इंडिविजुअल।
ओनली इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन कंपनीज कैन अप्लाई फॉर द अवार्ड. सिर्फ भारतीय राज्य, सिर्फ भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग ही इस अवार्ड के लिए आपका इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, याद रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. अब आते हैं हमारे आज के जय अंकल जी क्विज पर. दिस इज़ द भूले बिसरे करंट अफेयर्स एनालिसिस थ्रू एमसीक्यू, बिकॉज ये मैं कभी कभी नहीं कराता, सो विल डिस्कस इट. कीर्तिका, इट इज़ एन अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. द अवार्ड विल बी गिव 51 लाख रुपीज़ फॉर कंपनीज एंड 5 लाख रुपीज़ फॉर द इंडिविजुअल. सो आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट डाउन जय अंकल जी, जय अंकल जी, जय अंकल जी, जय अंकल जी. द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fintech company has launched a personal UPI payment link? इनमें से कौन सी वो financial tech company है जिसने एक personal UPI payment link launch किया है? The answer is, it is MobiKwik, Jay Uncle Ji. इन्होंने launch किया है इस particular personal UPI payment link को, Jay Uncle Ji. Next question. Which state union territory government has established a 12 Amrit pharmacies in the state? इनमें से किस राज्य ने 12 Amrit pharmacies को start किया है? UP, जम्मू कश्मीर, UK, महाराष्ट्र और is it लद्दाख? जय अंकल जी, the answer is, it is जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों अभी हाल ही में COVID-19 facility भी start की गई है, एक lab यहाँ पर अभी हाल ही में नहीं, यहाँ नहीं स्टार्ट की गई, शायद लद्दाख में, लद्दाख में स्टार्ट की गई, माफ करना, इट हैज़ बीन स्टार्ट इन लद्दाख, नॉट इन जम्मू कश्मीर बट इन लद्दाख. यस यस, लद्दाख में स्टार्ट की गई है, ठीक है. नेक्स्ट बार सवाल पे आते हैं. When is the International Day of Friendship observed? इनमें से कौन सी तारीख को आपका दोस्ती का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? And the answer is, it is option E, that is 30th of July. आसान सवाल है. Question 4. Varun Sridhar has been appointed as the CEO of which of the following? इनमें से किसके CEO बनाए गए हैं आपके वरुण श्रीधर? And the answer is, it is option C, that is Paytm Money. इसके CEO बनाए गए हैं आपके वरुण श्रीधर. Question 5. Which of the following organization has approved $3 million to India? इनमें से किस संगठन ने $3 million का अप्रूवल दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, चलिए पर मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इसको ज्वाइन करना ज़रूरी है. अगर आपको मेरे और यशी के शोज को देखना है, फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज गाइज ये आपको कई सारे क्विजेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा. ऑल राइट, इसको ज़रूर 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 से जलूर 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 आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. बाकी अगर आप चाहते हैं कि यू ओनली वॉन्ट टेलीग्राम चैनल, तो वो भी हमारे पास है और उसको लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, उसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गाइज आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी नाउ अ बिग थम्स अप, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन फॉर द हिंदू एनालिसिस. ऑल राइट, सो फटाफट एक बार ज़रा आप लोग आ जाइए हिंदू एनालिसिस में. आई वॉन्ट एवरी वन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. ऑल राइट, एंड हियर इज नाउ द फर्स्ट हेडलाइन गाइज, एंड हियर इज द फर्स्ट हेडलाइन. द आउटपुट ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया हैव श्रंक फॉर द 4th स्ट्रेट मंथ इन जून 2020. 8 कोर सेक्टर उद्योगों का जो उत्पादन जून महीने में है, वो चौथी बार आपका दोस्तों जो है वो सिकुड़ गया है, वो चौथी बार आपका दोस्तों जो है वो सिकुड़ गया है. एंड आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने, रिकवरी हुई है फिर भी देर हैज़ बीन अ डाउनफॉल ऑफ 22% मई में था, उससे कम हुआ है पर फिर भी आपका डाउनफॉल आपका हुआ है. दिस डेटा इज़ रिलीज्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री. The only sector which showed a growth out of the core sectors, guys, वो sector का नाम है आपका fertilizers, जहाँ पर कि आपका growth हुआ है, बाकी किसी में आपका growth दोस्तों जो है वो नहीं हुआ है. ठीक है, याद रहेगा आप सबको, everyone, okay. अब आइए जरा discuss कर लेते हैं core sectors को. Guys, there are 8 core sectors. भारत में आपके 8 core sectors हैं, ठीक है. Coal, crude oil, natural gas, refined products, fertilizer, steel, cement and electricity. इन 8 कोर सेक्टर्स का जो एक इनका द रोल द बेस द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस ग्रोथ दिस कोर सेक्टर्स गाइस इज 40.27% ऑफ द आईआईपी. आईआईपी गाइस इज बेसिकली एन इंडेक्स विच डिटेल्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में 40.27% इज बेसिकली द 8 कोर सेक्टर्स. इन टर्म्स ऑफ देयर वेटेज गाइस, द बिगेस्ट वेटेज इज रिफाइनरीज, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, फोर्थ कोल, फिफ्थ क्रूड ऑयल, सिक्स्थ नेचुरल गैस, सेवन्थ सीमेंट्स एंड 8th फर्टिलाइजर. ये आपका वेटेज के तौर पर है. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर डेटा इज कंपाइल्ड बाय द CSO. हर महीने CSO इस डेटा को आपका कंपाइल करता है. अगर हम IIP की बात करें तो समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो गया, गिव मी अ थम्स अप. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट हेडलाइन. द सेंटर्स फिजिकल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स हैज़ रीच्ड
83% ऑफ द फुल ईयर टारगेट. इस साल जो टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, ऑलरेडी मतलब अभी चल रहा है अगस्त, ऑलरेडी इसका 83% हमने अचीव किया है. तो इसका कन्फर्म मतलब है कि हमारा जो बर्डन है फाइनेंस का वो इस साल बहुत बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द फिस्कल डेफिसिट, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम एंड द रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया है, और इस साल जो डेफिसिट है वो है आपका एट 6.62 लाख करोड़. तो ये एक अमाउंट आपका जो है वो यहाँ पर आ गया है. आइए ज़रा जान लेते हैं एक बार. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है आपको. द प्रिडिक्शन इज दिस ईयर इज़ कि द फिस्कल डेफिसिट गाइस वुड बी 8% ऑफ द जीडीपी. मतलब इस साल जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 8% होगा जीडीपी का. टारगेट क्या था? टारगेट था 3.5%. बाप रे बाप अयू रामा, इट वॉज 3.5% बट आपका ये 8% पहुँचेगा. इतना बड़ा डिफरेंस है. टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में हुआ है सरकार का 8.15 लाख करोड़ रुपीज़. इतना खर्चा इसका हुआ है. और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स विच इज़ मिस सोमा रॉय बर्मन, जो कि इस संस्था की आपकी अध्यक्षा हैं. ठीक है, ये नाम भी आप यहाँ पर, सोमा रॉय बर्मन. ऑलराइट, ओके. अब एक सवाल आएगा कि सर व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट. देखिए फिस्कल डेफिसिट का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल. इसको एज इट इज प्लीज मग अप, रट्टा मार लीजिए इसको. नाउ व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट डू? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज. कितना बोरोइंग चाहिए सरकार को हर एक क्षेत्र में, उसको बताता है आपका एक फिस्कल डेफिसिट. नंबर वन. नंबर टू, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज अ की वेरिएबल फॉर जजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. सार्वजनिक क्षेत्र का जो वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता है उसको देखने के लिए भी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट या सकल राजकोषीय घाटा देखना जरूरी है. समझ में आ गया व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज, बेसिक पर्पस, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल डेफिसिट? अरे नहीं माधुरी जी, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? सीएजी हमारे हैं राजीव महर्षि. माधुरी यू आर अ रेगुलर व्यूअर, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को. सीएजी हैं राजीव महर्षि जी, सीजीए आपके हैं सोमा रॉय बर्मन. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ऑलराइट, यस यस. नेक्स्ट हेडलाइन, ओके. पेंशन फॉर दोज जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी स्क्रैप. महाराष्ट्र में एक स्कीम थी, दैट स्कीम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग पेंशंस टू द पीपल हु वर जेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी. उस स्कीम को दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. द रीज़न गिवन बाय द गवर्नमेंट गाइज इज़ द लैक ऑफ फंड्स इसका रीज़न है. और स्कीम का नाम, जो स्कीम है उसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पेंशन स्कीम. दैट वॉज द नेम ऑफ द स्कीम. दिस पर्टिकुलर स्कीम प्रोवाइडेड 3,000 बेनिफिशरीज विथ ₹10,000 पर मंथ. पर अब ये स्कीम क्या हो गई है, महाराष्ट्र में स्कीम आपकी ये स्क्रैप कर दी गई है. याद रहेगा सबको, क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. रमेश कुमार हैज़ बीन रीइंस्टेटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. सिंपल खबर है कि एज पर अ न्यू गजेट मिस्टर रमेश कुमार इज़ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. ये न्यूज़ में थे, कॉन्ट्रोवर्सी में थे काफ़ी, पर इनको फिर से रीइंस्टेट किया गया है एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट खबर है, बेंगलुरु पुलिस को मिला है नए पुलिस कमिश्नर. इनका नाम दोस्तों है आपका कमल पंत. हिज नेम इज़ कमल पंत. इन्होंने रिप्लेस किया है भास्कर राव को एंड ही इज़ द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु. तो इनका नाम है दोस्तों कमल पंत. ये नाम भी आप यहाँ पर याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग खबर है गाइस, द गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन ऑन फ्राइडे गेव हिज असेंट टू द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एज वेल एज द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल रिपील बिल्स 2020. गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल्स को मंजूरी दी है. आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने. दिस बिल विल प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती, कुरनूल एंड विशाखापट्टनम. अमरावती विल बी डेवलप्ड एज अ लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुरनूल एज अ जुडिशियल कैपिटल एंड विशाखापट्टनम एज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल.
Similarly, the Capital Region Development Authority Appeal Bill will help in the formation of the Amaravati Metropolitan Region Development Authority. Government is now free to give the three capitals a tangible shape. मतलब वो अब इनको बना सकती है. The Decentralization Bill, it allows Vishakhapatnam to have a Rajbhavan, a Secretariat, as well as offices of the head of departments. Similarly, Amaravati will have the legislature. यहाँ पर आपका legislature जो है, मतलब विधानसभा जो है वो यहाँ पर बनेगा. Similarly, Kurnool will have the judicial body. जो यहाँ का state high court है वो कहाँ बनेगा आपका? वो कुर्नूल में बनेगा. तो एक बार ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी important date है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रेम भाटिया अवार्ड बाई द इंडियन एक्सप्रेस गाइज हैव बीन गिवन. दीपांकर घोष एंड पीपल्स आईकॉफ ऑफ रूरल इंडिया जो एक NGO है उसको दोस्तों दिया गया है आपका द प्रेम भाटिया अवार्ड, और ये दिया गया है टू मिस्टर दीपांकर घोष. इनका नाम याद रखिएगा और इनको ही मैं नाम दे देता हूँ. उनका नाम है दीपांकर घोष. ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेम भाटिया अवार्ड बाई द इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सॉरी He has been awarded the Prem Bharti Award. ये Indian Express का award नहीं है, ये एक अलग award है और ये award दिया गया है to Dipankar Ghosh. ये दिया गया है and the award name is guys Prem Bhaskar Award. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, फिर Brazilian जो वहाँ के Prime Minister थे Jair Bolsonaro, वो already COVID-19 उनको हो चुका है. अब उनकी जो wife हैं Michelle Bolsonaro, she also is now COVID-19 positive. वो भी आपकी जो हैं COVID-19 पॉजिटिव जो हैं वो हो गई हैं, तो उस वजह से भी वो न्यूज़ में है. आगे बढ़ते हैं. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकम शर्मा विल हेड द सिलेक्शन कमिटी फॉर फाइनलाइजिंग द राजीव गांधी जुना एंड द अदर स्पोर्ट अवार्ड. और इस कमिटी में आपके हॉकी लेजेंड सरदार सिंह और क्रिकेट लेजेंड सहवाग भी आपके हिस्सा होंगे. आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने The members of the committee guys in terms of famous members. तो famous members हैं आपके सहवाग क्रिकेट से, सरदार सिंह हॉकी से, मोनालिसा बरुआ फ्रॉम टेबल टेनिस, वी देवराजन फ्रॉम बॉक्सिंग एंड दीपा मलिक फ्रॉम पैराथलेटिक्स. सिमिलरली वी हैव थ्री मीडिया पर्सन, नीरू भाटिया, आलोक सिन्हा एंड मनीष बटाविया. अदर मेंबर्स हैं आपके साई के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान, जॉइंट सेक्रेटरी एल एस सिंह, कमांडर राजेश राजगोपालन ऑफ दी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. तो ओवरऑल ये पूरी आपकी एक लिस्ट है जो आपके मेंबर्स हैं एंड जो हेड हैं ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड. तो दोज विल बी गिवन गाइस ऑन द 29th ऑफ ऑगस्ट ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे विच इज़ ऑल्सो द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद द लेजेंड द जादूगर ऑफ इंडियन हॉकी. ठीक है, याद रहेगा. चलिए, सो गाइज विद दिस आपको ये याद रखना है कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. मैं लिंक देता हूँ फिर से, ये चैनल का लिंक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. एवरीवन, आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू ज्वाइन इट बिकॉज आपको ऐसा मिलेगा. ठीक है, हाँ चलिए अब आते हैं हमारे आज के PIB करंट अफेयर्स पर. दो दिन से नहीं हुआ है तो आज डिस्कस कर लेते हैं. एंड ये रहा आपके सामने. नो काजल जी, देर इज़ नो चार्ज फॉर दिस सेशन. इन सेशंस के लिए चार्ज नहीं मिलेगा आपको, परेशान ना होइए. ठीक है, चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर. द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी has been established and it has been established by the Central Consumer Protection Authority Act of 2019. इस एक्ट के जरिए एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को establish आपका किया गया है. आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको. The CCPA has been established by the Central Consumer Protection Act of 2019, Section 10 के जरिए इसको establish किया गया है. This act guys was passed on 20th of July. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास. इसका फोकस है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स. CCPA एक नेशनल लेवल रेगुलेटर होगा विच इज़ बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. PIB का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. इट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो CCPA का फॉर्मेशन आपका हो गया है. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसको शुरू किया गया है एंड इसकी जो पहली असेंबली है, जो पहला इसका प्रोडक्शन है, उसको स्टार्ट किया गया. इट वॉज स्टार्टेड एट दी इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर टोकामैक एट सेंट पॉल लेस डूरेंस इन फ्रांस. फ्रांस में एक जगह है सेंट पॉल लेस डूरेंस जहां पर आपका ITER टोकामैक है जो कि आपके सामने दिया हुआ है. इसका जो पहला असेंबली है उसको दोस्तों यहां पर स्टार्ट किया गया. आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये रहा आपके सामने. The celebration was hosted virtually by the French President Emmanuel Macron along with the other members. इसका जो cryostat है, which is a device, इसका cryostat बनाया है इंडिया ने और इंडिया में बनाया है इसको L&T ने. ठीक है, अब cryostat होता क्या है?
क्रायोस्टैट इज बेसिकली अ चेंबर दैट कैन मेंटेन अ वेरी लो टेम्परेचर. मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, द क्रायोस्टैट ऑफ द ITER हैज बीन मेड बाय इंडिया. द क्रायोस्टैट इज बेसिकली अ चेंबर दैट कैन मेंटेन अ वेरी लो टेम्परेचर. ये बहुत ही कम टेम्परेचर में आपका मेंटेन करता है आपका चेंबर को. हाईलाइट क्या है, ये जो ITER है इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील हाई वैक्यूम प्रेशर चेंबर. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर चेंबर है और बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है यूरोपियन यूनियन ने. रिमेंडर पैसा लगाया है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA, इंडिया ने, जिन्होंने इसमें 9.1% पैसा लगाया है. सो मैक्सिमम पैसा लगाया है यूरोपियन यूनियन ने एंड देन 9.1% पैसा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA ने लगाया है. आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, वन सेकेंड. हाँ, फिर आते हैं नेक्स्ट पे गाइस. नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो है दैट इज़ द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस. द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिनको लीड करते हैं, जिनको दोस्तों लीड करते हैं श्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस. ये अवार्ड दोस्तों दिया जाएगा फॉर रिकॉग्निशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर मेजर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स. एवरी ईयर ऑन 27 जुलाई इट विल बी अनाउंस्ड एंड दिस डे इज द फाउंडेशन डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज विच वॉज स्टार्टेड इन 2006. याद रहेगा सबको, ऑल राइट, सबको क्लियर है ये, ओके. अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के इस होमवर्क पे. तो दोस्तों ये है आपके सामने हमारा होमवर्क. प्लीज़ टेल मी हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी. हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द PMO एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये चार सवाल आपको देने हैं. पहला डिफेंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेकंड फाइनेंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड PMO का मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फोर्थ आपका HRD मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ये दीजिएगा. राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, सवाल है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ऑलराइट, मेल करिएगा मुझे kush.pandey@gov.in पे. बाकी गाइस इसके इस सेशन के बाद 10 AM पे आने वाला है वीकली MCQ हमारा, उसको चाहें तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं उसका लिंक आपको दे देता हूं, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. ठीक है, ये लिंक है वो एंड आई गिव यू द लिंक गाइस. यस, एंड दिस इज द लिंक गाइस ऑफ द वीकली MCQ. ठीक है, इस पे आ जाइएगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. आई मीट यू अगेन नाउ टुमारो ऑन मंडे गाइज. बाय गाइज, टेक यस यूट्यूब पे, यस बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रेट बेस्ट. थैंक यू सो मच, बाय. चार सौ बीस तो हम देखे हैं, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा था वहाँ पर. I love CDF. Do 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 do